जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर या फिर सबसे प्राचीन नगरों में एक माना जाता है। दुनिया की सबसे प्राचीन पौराणिक नगरी, एक ऐसी नगरी जिसके लिए कहा जाता है कि यह नगरी शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। एक ऐसी नगरी जो साक्षात शिव का निवास स्थान है, जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। आशा है अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस नगर की बात कर रहे हैं, किस शहर की बात कर रहे हैं। और यदि नहीं समझे तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी के बारे में रोचक जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसे संसार के सबसे पुराने नगरों में माना जाता है। ये नगर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये प्राचीन नगरी पवित्र माँ गंगा नदी के उत्तर तट पर और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और 80 नदियों के गंगा संगमों के बीच में बसी हुई है। तो काशी को एक समय वाराणसी भी कहा जाता था, जिसे बार बार गलत उच्चारण करते करते इस नगरी का नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे फिर से उसका पुराना नाम लौटाया है, वाराणसी। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका फिर से नाम वाराणसी कर दिया है। इस नगरी का उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन वेद कहता है कि कभी यह स्थान भगवान विष्णु की नगरी हुआ करता था, माधव की नगरी हुआ करता था। और यहीं पर जहाँ श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और फिर भगवान विष्णु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर किसी कारण से ब्रह्मा जी से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि क्रोध होकर उन्होंने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। तो पहले ब्रह्मा जी के पांच सर हुआ करते थे और एक सर भगवान शिव की क्रोधाग्नि में जल गया। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सर काट डाला और वह सर उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक भगवान शिव ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन ब्रह्मा जी का वो सिर उनसे अलग ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने काशी में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या का पाप स्वतः ही समाप्त हो गया और ब्रह्मा जी का वह कपाल, ब्रह्मा जी का वो सर भी अलग हो गया। दोस्तों, जहाँ ये घटना घटी, जहाँ पर ब्रह्मा जी का ये कटा हुआ सिर भगवान शिव से अलग हुआ, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ स्थान कहलाया। अब भगवान शिव को, महादेव को ये स्थान यानी कि काशी इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा अच्छी लगी काशी उन्हें, कि उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे भगवान, ये स्थान मुझे भा गया है, यानी कि पसंद आ गया है और मैं इसे ही अपने नित्य निवास के लिए, नित्य आवास के लिए चयन करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने विष्णु जी की इस नगरी को भगवान विष्णु से मांग लिया। तो भगवान विष्णु जी बहुत ही खुश होकर वो स्थान उन्होंने भगवान शिव को दे दिया। तभी से भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं वहाँ पर और काशी उनका निवास स्थान बन गया। तो बनारस, जिसे काशी और वाराणसी आप कुछ भी कह सकते हैं, ये नगर भारत का सबसे पुराना और आध्यात्मिक शहर है, जिसे स्वयं शिव ने रचा है। काशी का इतिहास बड़ा ही रोचक है। ये वो स्थान है जहाँ हजारों वर्षों से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कभी अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्गम स्थल भी काशी ही है, जिसे आज भी शिक्षा का सबसे महान स्थान माना जाता है। इतना प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय न केवल उन दिनों में बल्कि आज के विश्वविद्यालयों में भी, कहीं भी कोई भी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जैसा नहीं है। उस समय नालंदा में लगभग 30,000 भिक्षु अध्ययन किया करते थे और 10,000 से भी ज़्यादा शिक्षक यहाँ ज्ञान की गंगा बहाते थे। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं होगा कि जो यहाँ नहीं पढ़ाया गया हो। काशी के बारे में कहते हैं कि ये नगर भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है काशी, और इसीलिए इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव के साक्षात दर्शन होते हैं और शिव के साक्षात दर्शनों के लिए ना केवल भारत से बल्कि पूरे देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। इस मंदिर में
शिव के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो इस मंदिर का एक अपना अनोखा इतिहास है, लगभग 3500 वर्ष 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। इतना पुराना लिखित इतिहास किसी और स्थान का, किसी और मंदिर का नहीं है। भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ क्यों बसे, इसकी भी एक पौराणिक कहानी है। एक क्या कई कथाएं प्रचलित है। ऐसे ही एक कथा के अनुसार जब भोलेनाथ शिव का विवाह हुआ तो शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो विवाह के बाद शिव जी अपनी नवविवाहिता माता पार्वती जी को ले गए कैलाश। और जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद जब उन्हें कैलाश ले गए, कैलाश पर्वत पर ही रहने लगे, तो देवी जी हो गई नाराज। और तब एक दिन उन्होंने अपने मन की बात भगवान शिव के सामने रख ही दी कि हे प्रभु, आप तो भस्म रमा कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा क्या, यहाँ निर्जन स्थान पर किसी की शक्ल भी ना दिखाई दे, तो कहीं और चलें। तो अपनी प्राण प्रिया माँ पार्वती जी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने भी कैलाश छोड़ने का निर्णय ले लिया और कैलाश छोड़कर देवी पार्वती जी के साथ में काशी नगरी में आ गए। और इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। तो यह भी बात सच मानी जाती है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो किसी व्यक्ति के साधना से प्रसन्न होकर या पूजा या तपस्या के कारण प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं भगवान शिव ही अपनी इच्छा से बाबा विश्वनाथ के रूप में यहाँ साक्षात प्रकट हुए। ये उनका स्वयं का निर्णय था। और इस प्रकार काशी शिव का नया स्थान, नया निवास स्थान बन गई। यदि कोई व्यक्ति काशी विश्वनाथ जाए और यहाँ की भव्य आरती के दर्शन ना करे तो उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया, क्योंकि काशी विश्वनाथ की आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और यहाँ आकर भी यदि इस भव्य आरती के दर्शन ना करें तो आप समझ लीजिए, यहाँ एक दिन में 5 बार आरती होती है। सुबह की मंगला आरती के बाद पूरे दिन में 4 बार और आरती होती है। काशी में इस समय लगभग 1500 मंदिर है, 1500 से भी ज़्यादा मंदिर है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन और माँ दुर्गा के मंदिर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा काशी में पंचक्रोशी यात्रा की जाती है, जिसके कुछ विशेष नियम हैं जिसका पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो यह परिक्रमा नंगे पांव की जाती है और ये परिक्रमा 5 दिनों तक चलती है। इस परिक्रमा को कपिल धारा से शुरू किया जाता है। कपिल धारा से यात्रीगण मणिकर्णिका घाट तक आते हैं और फिर यहाँ साक्षी विनायक यानी गणेश जी के दर्शन करते हैं। साक्षी विनायक इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गणेश जी भगवान शिव के सम्मुख इस बात का साक्ष्य देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि आपने पंचक्रोशी यात्रा पूरी कर ली है और काशी की परिक्रमा की है, ऐसा गणेश जी साक्ष्य देते हैं। और इसके बाद में यात्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करके यात्रा संकल्प पूर्ण करते हैं। काशी के बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो काशी बनारस वाराणसी का हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और इसके अलावा यदि आप मणिकर्णिका घाट जो कि महाशमशान है इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी ज़रूर से देखिए। इन दोनों वीडियो के लिंक हम आपको इस वीडियो के अंत में देने जा रहे हैं, तो आप उन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। कैसी लगी आपको ये नगरी, इस नगरी के बारे में ये रोचक जानकारी, तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों यह है वीडियो, यह है जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह है जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स, हर टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।